सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो फटाफट से अपनी कुर्सी के भी डिवान लीजिए, क्योंकि आज करने वाले वीडियो के अंदर कुछ धमाकेदार। तो क्या है धमाकेदार, वीडियो में चल कर देखिए। साथ में मेरे को सामान भी है, मैं यहाँ पर इनकी प्रोग्रेस भी दिखानी है आप, क्योंकि अंडा एक फूटा है, छिलका दिख रहा है और दो अंडे ऐसा सीन है। बहुत सारे कमेंट आते हैं जो मैं देख पाता हूँ, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। सो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूँ आपका आपके और हमारे इस YouTube चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में। दोस्तों या दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जानकारी से भरा होने वाला है, साथ ही साथ दो टॉपिक पर होने वाला है। हाथ में मेरे को सामान भी है, तो चलते हैं कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर नहीं बताऊँगा किस टॉपिक पर वीडियो है, अंदर चल के देखना। आपको मज़ा आए तो लाइक भी करना और कमेंट एक सुंदर सा ज़रूर से करना। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, ये रही हमारी बजी स्पैरोट की कॉलोनी, और जो चीज़ आज हम लेकर आए हैं वो ये है। क्या है चल के दिखाता हूँ अंदर, फटाफट से चलते हैं कॉलोनी के अंदर और क्या कुछ टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो ये आ चुके हैं गाइज हम कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सुबह सुबह से जो इनका नाइट बल्ब रात में हम जलाते हैं वो जल रहा है। तो फटाफट से पहले इसको बंद करके मेन वाली लाइट हम कर देते हैं चालू। तो ये हो गई मेन लाइट चालू। पहले दिखाता हूँ मैं आपको अपने बजी स्पैरोट। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पूरे ही हमारे बजी स्पैरोट बैठे हुए हैं और हेल्थ चेक कर सकते हैं आप। बजी स्पैरोट की बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब फटाफट से टॉपिक रिवील करने का समय है, टॉपिक बता देता हूँ। और यहाँ पर बैठे हैं हमारे जावा। तो जावा भी एक बार क्लोज से मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि टॉपिक बताना है तो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इसलिए जावा पहले दिखा देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे जावा। यहाँ पर ये वाइट कलर के जावा देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने नेस्टिंग भी चालू कर दी है। और यहाँ पर है हमारे ब्लैक जावा, जिसके अंदर मेल हो गया था हमारा, बहुत ही खतरनाक वाली तरीके से बीमार दोस्तों, जो कि अब देख सकते हैं आप, हमने इलाज के दौरान उसको इतना सही कर लिया है कि फूल कर भी नहीं बैठ रहा है अभी। ये तो कितनी बड़ी चीज़ है गाइज, आप सोच सकते हैं, मतलब जिस कंडीशन पे ये चला गया था मुझे उम्मीद बिल्कुल 0% हो गई थी कि ये बच पाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ बैठा हुआ है ये, और प्रॉपरली अब जो है ये अपनी एक्टिविटी में आ गया। इसकी चोंच का कलर एकदम फैड हो गया था, पर वापस इसकी चोंच का कलर लाल हो चुका है, मतलब ये जो है सही हो चुका है। और ये देखिए मटकी की तरफ भी जा रहा है। तो ये तो रहा इनका नेस्ट मटेरियल। टॉपिक आप समझ गए होंगे, मैंने रिवील कर दिया है, पर ये टॉपिक खाली इनके ऊपर नहीं रहेगा, ये टॉपिक रहेगा हमारे बजी स्पैरोट के ऊपर भी, क्योंकि हम चेक कराएंगे आपको इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की, किस तरीके से इनकी प्रोग्रेस चल रही है, मटकियों के अंदर क्या चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि शायद बच्चे निकलना स्टार्ट हो चुके होंगे, शायद मतलब 100% नहीं हूँ दोस्तों मैं कन्फर्म, पर फिर भी अगर निकलना स्टार्ट हो गए होंगे तो फटाफट से आपको चल के दिखाएंगे। और पहले तो इनको डालते हैं नेस्ट मटेरियल, क्योंकि ये है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बड़ा ही ज़बरदस्त क्वालिटी का नेस्ट मटेरियल ये है दोस्तों। पहले जो हमने डाला था वो झाड़ू की सीख वगैरह जो नॉर्मल होती है वो डाल दी थी, और ये है नारियल, नारियल की मतलब जो बूंज होती है नारियल का, जो जो आप देख सकते हैं रेशे होते हैं ये वो है। तो सबसे ज़बरदस्त नेस्ट मटेरियल दोस्तों यही होता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमारे जावा रेडी हैं नेस्ट मटेरियल के लिए, और जो बजी स्पैरोट हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बाहर निकल आए पूरे। अभी जैसे हम लोग कॉलोनी में एंटर किए थे तब क्वांटिटी में कम थे, पूरे ही मटकियों से बाहर निकल कर आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट से उनको डालते हैं पहले नेस्ट मटेरियल, देन उसके बाद आपको यहाँ पर चेक कराएंगे कि ये हमारी कॉलोनी के अंदर प्रोग्रेस क्या चल रही है। सो दोस्तों ये लेकर आ चुके हैं हम यहाँ पर नारियल के बूंच, और सामने हमारे जावा का पिंजरा। तो दोनों ही जावा के जो केजेस हैं उनके अंदर यहाँ पर हम ये थोड़ा थोड़ा नारियल का बूंच जो है यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि वो जो पहले हमने डाला था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, थिक था। तो इसको सीधा का सीधा दोस्तों हम यहाँ पर उठाकर केज के अंदर डाल देते हैं। छोटे छोटे मैंने इसके टुकड़े कैंची से काट लिए हैं और ज़्यादा बारीक, तो इस तरह से फैला लेंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा जावा इसको अभी स्टार्टिंग में देखकर डर भी सकते हैं। ये देख लीजिए, तो ये हमने डाल दिया है। बाकी अभी थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद इसको ले जाकर मटकी में रखना स्टार्ट कर देंगे, गारंटी है। तो ये डाल दिया हमने पहले वाले केज में, दूसरे वाले केज में भी फटाफट से डाल देते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकाल लेते हैं पूरा ही। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर इसको पूरा नेस्ट बनाकर अंडे भी ये लोग दे देंगे। क्या होता है जावा की ब्रीडिंग दोस्तों, ये थोड़ा सा नेस्ट बनाने में बस समय लेते हैं, उसके बाद जब दोबारा होती है तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आती है, फटाफट फिर अंडे लाइन से आते जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर नेस्ट मटेरियल डाल दिया है, और कम्प्लीटली नेस्ट मटेरियल डालने के बाद आप देख सकते हैं अब जो हमारे जावा की एक्टिविटी है वो आपको कुछ समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा केज से दूर आ गया हूँ, और जो हमारे ब्लैक वाले जावा हैं वो तो मटकी के अंदर ही, मटकी के मतलब ऊपर बैठे हुए थे, और वाइट वाले जावा भी वहीं पर ही बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जब हम यहाँ से चले जाएंगे कॉलोनी से, उसके बाद ये नीचे आएंगे और फिर इन एक एक तिनके को उठाकर लेकर जाएंगे और ले जाकर अपनी मटकियों में रखेंगे और फिर उसके बाद अंडे देंगे। तो चलिए फटाफट से हम चेक कर लेते हैं दोस्तों बजी सौदों की प्रोग्रेस।
सो दोस्तों, आपने जैसे कि देख लिया कि हमने किस तरीके से हमारे जावा को नेस्ट मटेरियल डाल चुके हैं और अब वो उसे किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या करते हैं, वो आगे हम वीडियो के अंदर शेयर करेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर इनकी प्रोग्रेस भी दिखानी है आपको। तो फटाफट से प्रोग्रेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने यहाँ वाली मटकी से स्टार्ट करा था, तो यहीं से स्टार्ट करते हुए इस तरह से यहाँ तक आएंगे। चलिए फटाफट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वाली मटकी के अंदर क्या चल रहा है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 1, 2 और 3 अंडे यहाँ पर आ चुके हैं। अंडों की क्वालिटी आप देखिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों, जो लोग हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो अंडे की क्वालिटी कैसी आना स्टार्ट हो गई है। अगली मटकी में चेक करते हैं कि अगली मटकी के अंदर क्या चल रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक अंडा यहाँ पर भी आ चुका है, क्योंकि अभी तक ये खाली थी वाली मटकी, बगल वाली जस्ट अंडा इसमें आया है कल या परसों में। ऊपर वाली मटकी के अंदर हमारी जो है वो फीमेल बैठी हुई है, और फीमेल भी ऐसे ही नहीं बैठी है, देखिए अंडों का ढेर लेकर यहाँ पर हमारी फीमेल बैठी हुई है। तो बिल्कुल भी इसको नहीं करेंगे डिस्टर्ब दोस्तों, बस ये देख सकते हैं फीमेल की क्वालिटी। अंडों की क्वालिटी चेक करवा देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए अंडे भी ज़बरदस्त हो रखे हैं। तो ये है हमारी येलो वाली फीमेल। आइए आगे चलते हैं, इस वाली मटकी के अंदर चेक करते हैं दोस्तों। ये है खाली, ऊपर वाली मटकी के अंदर यहाँ पर एक फीमेल बैठी हुई है, जो कि मुझे ऐसा लगता है अंडे इसने भी दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अंडे इसने दे दिए हैं, तभी इस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये देख लीजिए, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं डराऊंगा, हल्का सा अंडा यहाँ से पर के नीचे से मुझे दिखाया, बैक करके वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो ये देख लीजिए फीमेल की क्वालिटी, क्या ज़बरदस्त क्वालिटी की कलर की फीमेल है यहाँ पर। आइए अगली मटकी चेक करते हैं, अगली मटकी के अंदर यहाँ पर क्या चल रहा है ऊपर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक फीमेल है, जो कि देख सकते हैं एक अंडा इसने दिखा दिया है खुद ब खुद ही। तो अब हमने यहाँ पर जो दिया वगैरह नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक अंडा इसने खुद दिखाया है। तो देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त क्वालिटी की फ़ीमेल है। और दोस्तों, और वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं हमारे जो कैमरे की है किस तरह की लग रही है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या अंडे की क्वालिटी देखें दोस्तों यहाँ पर, तो इस तरह के अंडे आपकी कॉलोनी में आ रहे हैं या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगली मटकी में चेक करते हैं, ये वाली मटकी के अंदर भी एक अंडा आ चुका है। मतलब आप देखिए, हर मटकी के अंदर अंडा यहाँ पर आ चुका है। ये अभी कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो प्रोग्रेस बनाया था, तो हर मटकी के अंदर अंडा नहीं था इसकी, जस्ट ऊपर वाली मटकी में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए फीमेल बैठी है, और अंडे वगैरह यहाँ पर फोड़ा फाड़ी हुई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो फाइट हुई थी मैंने आपको पिछली बार भी अपडेट करा था, तो अंडे मुझे लग रहा है कि अभी इसके नीचे नहीं रखे हैं, क्योंकि इसने जो है अंडे यहाँ पर फोड़ दिए। मैं थोड़ा सा इसको अब डिस्टर्ब ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने अंडे जो है पूरे, या फिर दूसरी फीमेल ने इसके फोड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इसने अंडे जो है यहाँ पर फोड़े हैं, एक आध अंडा शायद हो सकता है, ये बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं है। काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे थे दोस्तों कि सर हमें जो है, ये देखिए अगली मटकी चेक करा देता हूँ पहले, तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फाइटिंग हुई है, क्योंकि अंडा एक फूटा या छिलका दिख रहा है और 2 अंडे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो काफ़ी दोस्त हमारे कमेंट करते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रिप्लाई का ऐसा सीन है कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो मैं देख पाता हूँ वो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। आप देखिएगा, मेरे कमेंट चेक करिएगा, जो नहीं देख पाता, अब एक दिन में 1000-2000 कमेंट आएंगे दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं। मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं, पर फिर भी मैं आपके जो मैक्सिमम अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, जिनकी ज़रूरत मुझे लगती है, मैं कमेंट करके रिप्लाई करता हूँ। तो अब इस वाली फीमेल को हटाने का समय, ये देखिए यहाँ पर रखे हैं ढेर सारे अंडे, और 3 अंडे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये है हमारी फीमेल। और जैसा कि मैं कमेंट के बारे में बता रहा था, तो हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत पहले से जुड़े हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, जो पुराने सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो अगर कमेंट का रिप्लाई दे पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी मैं नहीं देख पाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारी दूसरी येलो फीमेल, और थोड़ी सी इसकी भी फाइट हुई है, आँख में इसके भी लगी है। यहाँ पर रखे हैं इसके नीचे बहुत सारे अंडे, पता नहीं कितने, दिखाने को तैयार नहीं। आइए अगली मटकी चेक करते हैं, अगली मटकी के अंदर क्या चल रहा है। तो ये मटकी है खाली दोस्तों, उसके नीचे वाली मटकी में हो सकता है अंडों का ढेर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फीमेल जो है वो बैठी हुई है अंडों के ऊपर, और ये निकल कर भाग गई है जैसे मैंने चेक करा। तो कुछ कुछ फीमेल ऐसी होती हैं दोस्तों जो हट जाती हैं अपने आप से। तो ये देखिए 4 अंडे, अंडों की क्वालिटी देखें, बेहतरीन क्वालिटी के अंडे। आगे चलते हैं, 4 अंडों को यहीं पर छोड़कर दूसरी मटकी के पास। तो ये ऊपर वाली मटकी में परों का ढेरी लगा हुआ है पहले से, जैसा कि लगा हुआ था। आइए अगली मटकी चेक करते हैं, इसके बगल वाली मटकी के अंदर फीमेल बैठी है, और फीमेल के नीचे होंगे शायद बहुत सारे अंडे। यहाँ दोस्तों अंडे तो हैं, और फीमेल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बैठी, तो इसको बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, आप समझ सकते हैं। आइए अगली मटकी चेक करते हैं, जो कि फीमेल ने खुद ही अंडे दिखा दिए हैं, देख सकते हैं आप, खुद गिन लीजिए दोस्तों कितने अंडे हैं, कमेंट करके बताइएगा ये वाली चीज़ मुझे। और ये फीमेल सबसे पहली फीमेल है जिसने यहाँ पर ब्रीडिंग करी थी, और ये देखिए अंडे छुपाना हो गई है स्टार्ट। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगती है दोस्तों, ये अंडों को जब छुपाते हैं इस तरीके से, तो ये बड़ा प्यारा लगता है कि अपने अंडों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या फिर कह सकते हैं अपने अंडों के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फीमेल जो बैठी है ये तैयार है अंडे देने के लिए, अब इसने अंडे दिए नहीं है, या दिए थे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं छिलके मुझे दिख रहे हैं अंडों के। तो काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं कि सर हमारे यहाँ पर
अंडे फोड़ रही है फीमेल दूसरी फीमेल, तो ये देखिए हमारे यहाँ पर भी होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है, जनरल चीज़ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेपरेट कर सकते हैं। आइए अगली मटकी चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी फीमेल बैठी हुई है और अंडे यहाँ पर भी फोड़े गए हैं, अलग ही दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे मटकी की तली है यहाँ पर अंडे का छिलका भी चिपका हुआ है, थोड़ा जो पीला पीला हो जाता है वो भी यहाँ पर दिख रहा है अलग ही आपको, तो अंडे वगैरह यहाँ पर भी फोड़े गए हैं। फीमेल को मैं थोड़ा सा हटाने की कोशिश करता हूँ कि कितने बचे हैं, वैसे तो अभी हटेगी नहीं क्योंकि ये फीमेल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बैठी हुई है, देखिए मैंने हाथ से भी हिलाने की कोशिश करी है, तो अंडे तो दिख रहा होंगे आपको, ये पेट के पास पहला अंडा आपको दिखने लगा होगा, ये देखिए एक दो तीन चार अंडे हैं और जो दो तीन अंडे रहे होंगे वो फोड़े गए होंगे, इसलिए इसमें पीला पीला चिपक गया, तो ये है फीमेल और ये है अंडे, नहीं करते हैं डिस्टर्ब, आगे चलते हैं फटाफट से, ये मटकी है दोस्तों खाली, अगली मटकी में चेक करते हैं यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ रखे हुए हैं दोस्तों तीन अंडे, साइज़ काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब लगभग हमारे जो लवबर्ड आते हैं उनकी साइज़ का यहाँ पर अंडा इन्होंने दिया है दोस्तों, तो देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त क्वालिटी के ये अंडे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। तो ये थी हमारी बजीज तोतों की प्रोग्रेस, ये देखिए यहाँ बैठे हैं ढेर सारे बजीज तोतों, जब हम प्रोग्रेस चेक करते हैं तो सब उड़ के इधर आ जाते हैं, तो देख सकते हैं गाइस ये हैं हमारे बजीज पैरोट, अभी ये होने वाले हैं डबल से तिबल क्योंकि बहुत सारे मटकियों के अंदर अब धीरे से बच्चे निकलेंगे, अभी तक नहीं निकले हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा दो टॉपिक पर वीडियो, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, मिलते हैं फिर अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।